साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। ग्यारह साल होने आए संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में है। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन बापू के भक्तों की श्रद्धा संख्या में रति भर भी कमी देखने को नहीं मिली है। जीता जागता उदाहरण है, पूरा परिवार है विदेश से यहाँ आया है ध्यान योग शिविर भरने पे। हम सब परिवार आए हैं, तो मेरी धर्म पत्नी और दो बच्चे भी हैं। हम ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से आए हैं। हम यहाँ पे एक अपने गुरु जी को श्रद्धा भाव समर्पित करने आते हैं और आनंद शांति और माधुर्य मिलता है जो हम यहाँ इतनी दूर से आते हैं। हमें आके बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। शिविर को अटेंड करके भी हमें बहुत आनंद आया। आरोप बेबुनियाद है, वो एक दिन आएगा, वो आरोप कोर्ट में भी सिद्ध होंगे कि उन आरोपों के पीछे कोई भी बेसिस नहीं है। 85 वर्ष वयोवृद्ध संत हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए और जो सत्य है वो सत्य जल्दी से जल्दी उजागर होना चाहिए और बापूजी के लिए रिहाई के लिए हम उनसे अपील करेंगे। और इनकी एक ही मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। आसाराम जी बापू आश्रम जांगीरपुरा सूरत के अंदर जन्माष्टमी महोत्सव निमित्त 5 दिवसीय ध्यान योग शिविर का आयोजन हुआ है। उसमें काफ़ी भारी संख्या में देश के अलग अलग भागों से, अलग अलग राज्यों से तो लोग आए हैं, लेकिन विदेशों से भी लोग यहां पर आए हैं। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि क्यों पिछले 11 साल होने आए संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में है। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन बापू के भक्तों की श्रद्धा संख्या में रति भर भी कमी देखने को नहीं मिली है। जीता जागता उदाहरण है, पूरा परिवार है विदेश से यहाँ आया है ध्यान योग शिविर भरने। पहले उनका परिचय लेंगे, क्या नाम था? मुकेश भाटिया। और हम सब परिवार आए हैं, तो मेरी धर्म पत्नी और दो बच्चे भी हैं। हम ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से आए हैं। क्या मिलता है, मतलब कि इतने दूर से यहाँ पर आप लोग शिविर में आते हो, क्या मिलता है? हम यहाँ पे एक अपने गुरु जी को श्रद्धा भाव समर्पित करने आते हैं और हमें यहाँ पे बहुत आनंद और शांति का आनंद शांति और माधुर्य मिलता है जो हम यहाँ इतनी दूर से आते हैं। बापू पे तो आरोप लगे हैं, बापू जेल में है, उसके बावजूद मतलब इतना विश्वास बापू पे कि पूरे परिवार के साथ आप यहाँ सूरत आश्रम में आए। आरोप बेबुनियाद हैं, वो एक दिन आएगा, वो आरोप कोर्ट में भी सिद्ध होंगे कि उन आरोपों के पीछे कोई भी बेसिस नहीं है और यहाँ तो हमारी श्रद्धा तो पहले से ही है और भी बढ़ती जा रही है। हमें आके बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। शिविर को अटेंड करके भी हमें बहुत आनंद आया, बच्चों ने भी काफ़ी मज़े करे, तो अच्छा लग रहा है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे भारत सरकार से? 7 समुंदर पार से आए हो, क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे कि 85 वर्ष वयोवृद्ध संत हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए और जो सत्य है वो सत्य जल्दी से जल्दी उजागर होना चाहिए और बापूजी के लिए रिहाई के लिए हम उनसे अपील करेंगे। क्योंकि देख रहे हैं बापू ने पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए, कम से कम वो भी देखा जाए, न्यायपालिका है सरकार, वो भी देखे बापू। वो कार्य अभी रुके भी नहीं है, कार्य और भी अच्छे से चल रहे हैं। सिर्फ यहीं नहीं, देश विदेशों में कार्य चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, गरीबों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके आध्यात्मिक एज वेल एज लौकिक उत्थान के लिए बहुत ही अनंत कार्य जो चलते आ रहे हैं, वो निरंतर उसका प्रवाह चले ही जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि इतने आरोप लगने के बाद भी आज भी देखा हमने काफ़ी भारी संख्या में मतलब आश्रम में लोग आए, क्योंकि लोगों की श्रद्धा है, लोगों की श्रद्धा अटूट है और लोगों को जो आनंद मिलता है वो लोगों को सत्य पता है, जो झूठ का झूठ है वो अलग हो ही जाएगा और ये जो सत्य है वो जागर होकर ही रहेगा। मतलब विश्वास है कि बापू आएंगे? बिल्कुल आएंगे, वापस आएंगे, बाहर आएंगे और भी सेवा कार्य बढ़ बढ़ के होंगे, भारत में होंगे, बाहर भी होंगे। ऑस्ट्रेलिया से आए, इनका यही कहना है कि जो भी संत आसाराम जी बापू पर आरोप लगे उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है और इनकी एक ही मांग है सरकार से
कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से प्रेस की ताकत। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।